Hello student, how are you? I hope you are very very fine. In this chapter number 11 we are studying about the different types of simple machines and different types of works, and today our topic that is related to energy. तो आज का हमारा जो टॉपिक्स है वो एनर्जी से रिलेटेड है. तो एनर्जी का नाम देते ही हमें एक तरह से क्या ये हमारे मन में फीलिंग आती है कि जैसे हम खाना खाते हैं तो हमको एनर्जी मिलती है, ठीक है, और हम जैसे कोई काम करते हैं तो उस काम करने के लिए हमको एनर्जी की जरूरत पड़ती है. तो ये एनर्जी क्या होती है कि जैसे हम कोई काम करते हैं तो हमारे बॉडी में एनर्जी डेवलप होती है, उस काम को करने के लिए हमें कुछ कॉस्ट लगाना पड़ता है, समझ में आ रही है. तो वो हमें जो एनर्जी मिलती है वो किससे मिलती है, फूड से मिलती है, वाटर से मिलती है, मिनरल से मिलती है, ठीक है. तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी. एनर्जी का मतलब ये हो गया कि जैसे हम किसी को काम को करते हैं, ठीक है, तो उस काम को करने के लिए हमें कुछ कॉस्ट लगाना पड़ता है. तो हमारी बॉडी में एक ऐसी मटेरियल की जरूरत पड़ती है जो उनको एनर्जी देती है. वैसे वो एनर्जी किसी भी रूप में हो सकती है, जैसे फूड से एनर्जी मिल सकती है, वाटर से मिल सकती है, ठीक है, और मिनरल से मिल सकती है, विटामिन सी मिल सकती है, सनलाइट से मिल सकती है, लूनी से मिल सकती है, हीट से मिल सकती है. तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एनर्जीज होते हैं. तो हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर्स में एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे. देखो, एनर्जी इज द पावर टू डू वर्क. एनर्जी क्या होती है कि हम जैसे कोई भी काम करते हैं उस काम को करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, पावर की. पावर का मतलब क्या होता है, शक्ति की. तो वो हमें जो पावर है वो कौन देती है, एनर्जी. कौन देती है, एनर्जी. तो एनर्जी का काम क्या है कि जैसे एनर्जी हमारी बॉडी में हमको पावर देगी शक्ति, लेकिन जिससे हम कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है. वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड. तो हम जो ह्यूमन बींग है वो एनर्जी किससे मिलती है, मोस्टली ज़्यादा हमें फूड से मिलती है एनर्जी, ठीक है. तो वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड. हमें एनर्जी किससे मिलती है, फूड से मिल सकती है. जिससे सन हो गया, विंड हो गया, वाटर हो गया, प्लांट्स हो गया, और अदर सोर्सेज. ये सोर्सेज होते हैं जिनसे भी हमें एनर्जी मिलती है. जैसे सूरज की रोशनी में हम बैठेंगे तो उससे एनर्जी मिलेगी, विंड से भी एनर्जी मिलेगी, वाटर से मिलेगी, और प्लांट्स से मिलेगी. प्लांट्स का मतलब क्या हो गया, जैसे प्लांट्स की जैसे हम जैसे हम उसके सीड वगैरह खाएंगे, रूट को खाएंगे, ठीक है, और उसके लीव्स को, फ्रूट्स को, स्टेम को, इनको हम जैसे खाते हैं तो उनमें कुछ स्टोर एनर्जी रहती है. तो वो जैसे हम खाएंगे वो हमारी बॉडी में जाएगी और उससे हमें एनर्जी मिलती है. तो भी डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज होते हैं एनर्जी की. सन हो गया, विंड हो गया, वाटर हो गया, प्लांट्स हो गया, जो हमें क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं. देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी. तो हमारे यहाँ पे एनर्जी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है. सम ऑफ देम आर डिस्कस किए. तो हम उनको डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हमारे पास में जो एनर्जी होती है वो हमारे पास में होती है मैकेनिकल एनर्जी. क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी कौन सी होती है, एनर्जी दैट एन ऑब्जेक्ट हैज बिकॉज ऑफ इट्स पोजिशन और मूवमेंट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी. मेरी कोई यहाँ पे कोई चीज़ है, सपोज करो ये यहाँ पे एक स्टोन है, ठीक है, अभी यहाँ पे एक पोजिशन पे है, एक इक्विलिब्रियम पोजिशन पे, और जैसे ये थोड़ी सी बात है इक्विलिब्रियम पोजिशन पे यहाँ पे चला जाएगा, तो यहाँ से यहाँ चला जाएगा. तो जैसे ही यहाँ से यहाँ जाएगा तो अपनी पोजिशन को चेंज कर रहे, अपने मूवमेंट्स को चेंज कर रहे. तो इस तरह की जो एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी. मतलब कोई ऑब्जेक्ट होती है, कोई चीज़ होती है, वो अपनी पोजिशन को चेंज करती है या वो मूवमेंट करती है, तो उससे जो एनर्जी जनरेट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी. तो ये मैकेनिकल एनर्जी होती है बेटा, वो दो टाइप की होती है. तो होती है पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरी कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी. अब देखो, इनकी पोटेंशियल एनर्जी दो टाइप, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, ये किसके टाइप होती है, मैकेनिकल एनर्जी की, ठीक है. तो हम डिस्कस करते हैं काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एनर्जी विच इज मूविंग ऑब्जेक्ट पोजेस इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. पोजेस का मतलब होता है कि साथ में, ठीक है, यदि कोई चीज़ है, ठीक है, तो वो मूव कर रही है, वो कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट के साथ में जो चीज़ जो एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी. एनर्जी विच इज मूविंग ऑब्जेक्ट पोजेस पोजेस का मतलब होता है कि साथ में यदि कोई चीज़ है, ठीक है, तो वो मूवमेंट कर रही है, तो उसके साथ जो एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है. सेकेंड इसका टाइप हो गया पोटेंशियल एनर्जी. द एनर्जी विच इज स्टोर्ड एनर्जी, ठीक है, एनर्जी ऑफ इट्स पोजिशन, ठीक है. यदि कोई स्टोर पोजिशन में कोई ऑब्जेक्ट है वो अपनी एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी. देखो यहाँ पे एक मूविंग कार पोजेस इज काइनेटिक एनर्जी. एक जो कार है वो चल रही है, ठीक है, तो वो अपनी पोजिशन को चेंज कर रही है, तो उससे एनर्जी कौन सी मिलती है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है. और यहाँ पे देखो एक ड्रोन को, ड्रोन को काम होता है तांबा धनुष, ठीक है, इसे खींच के तान के रखते हैं ना धनुष को,
दीजिए पोटेंशियल एनर्जी, तो उसको हम क्या बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्यों बोलते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस स्टेट पोजिशन, तो पोटेंशियल एनर्जी क्यों हुआ क्योंकि उसने अपनी पोजिशन को चेंज कर लिया, तो उसने पोजिशन से जो चेंज करने से जो एनर्जी मिलती है तो उसको हम बोलते हैं क्या है पोटेंशियल एनर्जी। और यदि कोई मूवमेंट से ठीक है हमें जो एनर्जी मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर देखो द वाटर स्टोर बिहाइंड द डैम इज पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे एक डैम है ठीक, इस डैम के इस वाले जो दीवार है यहाँ पर जो पानी है वो स्टोर है ठीक है, तो ये पानी जो स्टोर है तो इससे कौन सी मिलती है पोटेंशियल एनर्जी मिलती है। बट वेन इट्स फॉल फ्रॉम ए हाइट, जैसे इसको हाइट से गिराते हैं तो इसमें कौन सी एनर्जी क्रिएट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी, जैसे यहाँ पे लड़का है धनुष बाण खड़ा हुआ है ठीक है, तो इस पोजिशन की वजह से ही इसमें एनर्जी आई है जिसकी वजह से हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और इसी प्रकार से हमारे पास में डैम है तो डैम के इस साइड में जहाँ पे वाटर स्टोर रहता है ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, जैसे इसको हाइट से गिराते हैं तो इसमें कौन सी एनर्जी जनरेट करती है काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो हमारे पास में जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो दो टाइप की उसमें होती है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है एक, दूसरी हमारे पास में होती है काइनेटिक एनर्जी। अब हमारे पास में जो सेकेंड हमारे पास में जो टाइप है एनर्जी का वो हमारे पास में सोलर एनर्जी, नाम से ही पता चल रहा है सोलर एनर्जी का मतलब होता है सन से जो भी जो एनर्जी होती है उसको हम सोलर एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी के एक गैप फ्रॉम द सन, जो एनर्जी हमें सन से मिलती है सूर्य से जो रोशनी मिलती है सन से जो हमें एनर्जी मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं सोलर एनर्जी। इट कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये क्या काम में आ सकती है बिजली बनाने के लिए काम में आ सकती है ठीक है। दिस डेज वी हैव टू सोलर कुकर, आजकल क्या हम सोलर कुकर काम में ले रहे हैं सोलर हीटर ले रहे हैं, इवन द ट्रैफिक ऑफ लाइट वर्क्स विद सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी का मतलब हो गया कि सोलर की जो एनर्जी होती है उसमें पोल्यूशन कम होता है ठीक है, तो उसमें किसी प्रकार का पोल्यूशन नहीं होता है, जैसे हम सोलर कुकर वगैरह है सोलर हीटर वगैरह जो पानी गर्म करने के जो जो हीटर वगैरह होते हैं ठीक है, सोलर कुकर होते हैं जो खाने बनाने के लिए कुकर होते हैं, तो ऐसे जो पैनल होते हैं बेटा वो क्या करते हैं इनके ऊपर जैसे सूरज की रोशनी गिरती है तो वो सूरज की रोशनी को कैप्चर कर लेते हैं, कैप्चर करने के उसको करने के बाद में एक पैनल उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ऐसे सूरज की रोशनी को काम में लेकर बिजली के लिए उसको काम में ले सकते हैं, खाना बनाने के लिए उसको काम में ले सकते हैं ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट यूजेज होते हैं सोलर एनर्जी के। सोलर पैनल एक्ट एट सोलर पावर स्टेशन विच कैप्चर हीट फ्रॉम द सन, तो ये सोलर पैनल होते हैं क्या होते हैं सूरज की रोशनी जैसे ही उनके ऊपर गिरती है तो सूरज की रोशनी को कैप्चर कर लेते हैं और इस हीटिंग जो हमारे पास में सूरज की सनलाइट है उसको इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट करके उससे हम इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर सकते हैं, उससे हम बिजली वगैरह बना सकते हैं। सेकेंड हमारे पास में जो टाइप हो गया हमारे पास में वो हो गया विंड एनर्जी, विंड का मतलब क्या होता है हवा, हवा से जो मेरे एनर्जी मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं विंड एनर्जी। विंड एनर्जी ये रिन्यूएबल सोर्सेज ठीक है, तो ये क्या सोर्सेज है रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है ठीक है, इट डज नॉट क्रिएट पोल्यूशन, तो इससे किसी प्रकार का पोल्यूशन नहीं होता है एंड इट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली, और ये एनवायरमेंटली फ्रेंडली होता है ठीक है, ये वातावरण के अनुसार बहुत अच्छा होता है क्योंकि इससे पोल्यूशन भी बिल्कुल भी कम होता है, जैसे हम जैसे कोई इंजन वगैरह चलाएंगे तो उससे एनर्जी तो हमें मिलेगी ठीक है, लेकिन उससे कुछ ना कुछ पोल्यूशन होता है, तो ये जो हमारे पास विंड एनर्जी है तो उससे पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होता है, ये इसका एक बेनिफिट है। विंड इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी बाय विंड टर्बाइंस, तो ये क्या होती है बेटा विंड टर्बाइंस होती है जैसे ये बड़े बड़े पंखे लग रहे हैं ना तो इनसे हवा जब टकराती है तो ये पंखे घूमने लग जाते हैं, तो घूमने लगने से कोई एक क्या होते हैं मशीन को ऐसे घुमाते रहेंगे जिसको जिसकी हेल्प से इसके नीचे विंड टर्बाइंस से कनेक्ट होते हैं तो उससे हम बिजली वगैरह बना सकते हैं, तो ये हमारे पास में इसका विंड एनर्जी का वर्क हो गया कि विंड एनर्जी होती है ठीक है, जो जहाँ पर तेज हवाएँ चलती हैं तो वहाँ से जो तेज हवाएं चलती है तो वहाँ से जो तेज हवाओं से जो एनर्जी मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं विंड एनर्जी। थैंक यू।